अभी ब्रदर जोमोन ब्रदर आके वजन के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करेंगे। ഞങ്ങളെ അളവില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാം ദൈവമേ, ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് അടിയങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവേ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെയും അവിടുന്ന് അടിയങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ ദയക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. ഹിന്ദി സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് അയച്ചതോർത്ത് തിരുമേനിയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇന്നും കർത്താവെ അനേകർക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ഹോളിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവജനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് അടിയങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു. അവർ കേട്ടതായ വചനങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവെ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് അടിയങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. വചനം സംസാരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ദാസനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. വേണ്ടതായ എല്ലാ ദൈവകൃപയും നൽകി അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് അടിയങ്ങൾ തിരുമേനിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വചന കേൾവി മുഖാന്തരം കർത്താവെ ചില ഹൃദയങ്ങളിൽ കുത്തുകൊള്ളുവാനും കർത്താവെ അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ കണ്ടെത്തുവാനും ഇടയായിരുന്നെങ്കിൽ അടിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. വിശേഷ വ്യക്തി കാ പരിചയ ദേന ചാത്താ ഹൂ. ഉൻക നാം ഹേ രഞ്ജിത് കുമാർ ബാഗ്. उड़ीसा से हमारे बीच में पधारे हैं. आज से 20 साल पहले वे मेरे विद्यार्थी के रूप में केरल आए और पिछले 17 सालों से हम प्रभु यीशु के सहकर्मी और सह प्रवर्तक हैं. जब भी मैं और मेरी वाइफ चंबल इलाके में जाते हैं तो इन्हीं के साथ रुकते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं. जैसे ही मुझे खबर मिली कि भाई रणजीत आ रहे हैं तो तभी मैंने उनके पैरों में जंजीर डाल दी थी कि भैया शाम की सभा में आपको ज़रूर आके कम से कम एक संदेश देना है. तो दौड़ते भागते गिरते पड़ते शाम को 5:15 बजे तक हमारे घर पहुँच गए और प्रभु की दया से हम लोग समय पर यहाँ आ गए. मैं भाई रणजीत का स्वागत करता हूँ. एक बात और बता दूँ कि 1960 में चंबल इलाके में पहली जो ब्रदरन असेंबली की स्थापना हुई थी मेरे फादर ने की थी. आज उस मंडली की देखभाल उस मंडली के रखवाले चरवाहे भाई रणजीत कुमार हैं. बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और पिछले 16-17 साल से वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और उत्साह के साथ वहाँ पर प्रभु की सेवा करते आए हैं. आज शाम को भाई रणजीत से हम प्रभु का वचन सुनेंगे. भाई रणजीत, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस प्रकार एक अवसर प्रभु ने दिया आप लोग के बीच में आकर के खड़ा होने के लिए. वास्तव में मैं कुम्हनाड़ में था. कुम्हनाड़ का एक पास में एक गाँव था, वहाँ पर भी बहुत सारे हिंदी भाइयों और बहनों थे तो उनको थोड़ा मिलना था. सो त्रिवला का पास में एक असेंबली था, उन्होंने मुझे बुलाए थे तो साहब ने बोले कि अरे यहाँ पे भी तुम्हारा लोग है, जल्दी आ जाओ. तो मैं वास्तव में 1 बजे वहाँ से निकला और मुझे मेरा दोस्त लोग रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया. तो जैसा तैसा मैं पहुँच गया आप लोग को मिलने के लिए. केवल आप लोग को मिलने के लिए मैं आया और आप लोग को मिल के मुझे बहुत आनंदित हूँ क्योंकि हम एक नॉर्थ इंडिया से हैं और हम एक भाषा बोलते हैं और हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. सही है ना? अच्छा लगता है ना? सही है. हाँ, तो मैं आप लोग को एक कहानी बताना चाहता हूँ. एक छोटा सा एक कहानी है. हमारा बेटा जैसा एक छोटा सा लड़का हमारा आसाम या उड़ीसा बंगाल जैसा गाँव में एक स्कूल जा करके वापस आते हैं तो खेल खेल के वापस आ रहा था. तो रास्ता में किसी ने पूछा कि भाई कहाँ गए थे. उन्होंने कहा कि अंकल जी मैं स्कूल जाके आ रहा हूँ. तो बच्चा है खेल 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 के बात करके आ रहा है. तो उस समय अंकल जी ने पूछा कि क्या क्या पढ़ा भाई. उन्होंने कहा अंकल जी बहुत कुछ पढ़ा आज, मुझे जा करके होमवर्क भी करना है. कौन सी क्लास में हो, अंकल जी ने पूछा. तो बेटा ने बोला कि मैं तो 5th क्लास में हूँ. अच्छा 5th क्लास में हो, 5वीं क्लास पढ़ाई करने के बाद तुम क्या करोगे. अंकल जी मैं 6वीं पढ़ूंगा, 6वीं के बाद 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं इस प्रकार का बताने
बोलते गया बोलते गया बोलते गया। उसके बाद तुम क्या करोगे? अंकल जी मैं इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद क्या करोगे? मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मेरा शादी होगी। उसके बाद मेरा बाल बच्चे होंगे। अरे वाह। उसके बाद क्या करोगे? मेरा बाल बच्चे भी बढ़ जाएंगे, वो लोग भी मुझे देखभाल करने लगेंगे। ये बाबूजी छोड़ा नहीं है आज तक। और प्रश्न पूछा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। उसके बाद मैं एक दिन मर जाऊंगा। उसके बाद पता नहीं। प्रिय दोस्तों, आज आप लोग यहां पे बैठे हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि एक दिन मनुष्य अवश्य इस दुनिया में पैदा हुआ, जितना भी मनुष्य जो भी है, एक दिन मरना है, अवश्य है, वो सत्य है वो। और ये सत्य को कितना भी महान क्यों ना हो, अस्वीकार नहीं कर सकता है। आज हमारा शरीर तंदुरुस्त है, हम नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आके काम कर रहे हैं, सही है ना। हम बहुत सारे चीज जानते होंगे, बुद्धि है, ज्ञान है, तंदुरुस्त है, शक्ति है, ताकत है, पैसा कमा रहे हैं। एक दिन हमारा हालत बिगड़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? गांव जाएंगे साहब, हम मर जाएंगे, हमारा भी ऐसा ही होगा, बच्चा जैसा कहा। बाद में क्या होगा पता नहीं। क्या जानते हो कि मनुष्य एक दिन मरना है? बाइबल में लिखा है इब्रानियों का 9:27 में, मनुष्य एक दिन मरेगा और उसका न्याय होगा। हमारा नॉर्थ इंडिया में कहा गया है कि 7 जन्मों होगा, 7 जन्मों होगा। 7 जन्मों तो नहीं होगा, एक दिन मरना है, उसके बाद न्याय होगा। कौन कह रहा है ये बात? पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा है, मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इब्रानियों उसका 9:27, इब्रानियों 9:27 मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, अवश्य है न्याय होना। क्यों न्याय होना? रोमियो उसका 6 अध्याय, रोमियो उसका 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार से हैं, 6:23, रोमियो 6:23, क्योंकि पाप के मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। तो ये मृत्यु क्यों आई है जगत में, हम लोग ये प्रश्न हमको पूछना है। ये बच्चा जैसा बोला, एक दिन मैं मर जाऊंगा, क्यों मरोगे भाई? उसका जड़ कहां से आई, मृत्यु आया कहां से, उसको हमको जानना बहुत जरूरी है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, देखिए उसका मृत्यु का जो शब्द यहां पे आया, एक दिन मरना है और पाप का प्रतिफल व पाप का मजदूरी मृत्यु है। और मृत्यु आया कहां से है, हम लोग उत्पत्ति उसका 1:3 में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, जब देखिएगा जिसका पास बाइबल है, मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। पहला प्रश्न परमेश्वर ने पूछते हैं, 9:3, तब परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारिश से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, जिसने तुझे बताया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष का फल खाने के मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उस फल को खाया है?
आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया है। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहकाया तब मैंने खाया। तब परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा क्या कहा तू ने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं से और सब बने हुए पशुओं से अधिक शापित है। और आदमी को कहा और आदम से उसने कहा तूने जो अपना पत्नी के बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तूने ना खाना उसका तूने खाया इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। दूसरी बात श्रापित है ये भूमि श्रापित है तू उस उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये पसीना कहां से आया है यही सही है। परमेश्वर ने क्या कहा कि तू एदन बगीचा में अच्छी तरह से बढ़िया करके रहना। परमेश्वर उनके साथ रहते थे बात करते थे सुंदर रीति से रहते। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी जो फल को तूने नहीं खाना उसको नहीं खाना। लेकिन कभी कभी हम लोग को देखने में क्या है कि बहुत सुंदर लगता है। सुंदर चीज कभी कभी बहुत विषाक्त चीज होता है ना। परमेश्वर ने बहुत एक छोटी सी आज्ञा दी तूने उसको ना खाना कभी भी उसको खाना नहीं। इन्होंने स्त्री लोग तो बहुत थोड़ा सा कमजोर प्राणी है। स्त्रियों के आगे बताया अरे यार ऐसा कुछ नहीं श्राप आके क्या शैतान आगे बताया ऐसा कुछ भी नहीं है तुम खाओ मरोगे नहीं पक्का नहीं मरोगे। सही में पक्का मैं गारंटी बता रहा हूं। लोग आकर के अरे कुछ भी नहीं होता एक ढूक मार दे कुछ भी नहीं पक्का तो कुछ नहीं होगा। एक ढूक लिया उसके बाद अरे और एक ढूक ले लो यार क्या फर्क पड़ता है जवान है बॉडी भी कभी कभी काम करके आते हैं तो बहुत थक जाते। एक ढूक मतलब एक मार दिया दो पैक मार दिया तीन पैक मार दिया उसके बाद पत्थर और लाठी और तलवार के साथ शुरू हो जाता है। ये कहां से आया है? ये शैतान इस संसार में आदम को और पहला जो परमेश्वर का जो सृष्टि उनको भड़काया आपको और मैं तो कौन है वहां से ही ये पाप और मृत्यु आया। पाप और दोनों मृत्यु इस जगत में आया। ये हम लोग मेहनत करते हैं पसीना बहाते हैं सारे दुख कष्ट सब कुछ करते हैं इस दुनिया में क्यों? परमेश्वर ने कहा था कि तू आराम से रहना। परमेश्वर का साथ वो चलने वाला जो मनुष्य को जो बनाया था परमेश्वर का साथ रहने के लिए आराम से रहना परमेश्वर का आज्ञा मानना परमेश्वर का सेवा करना प्रभु का साथ चलना प्रभु का आराधना करना गीत गाना प्रभु का पीछे चलने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। मनुष्य ने क्या किया अपना बुद्धि और विवेक को थोड़ा सा जोड़ दिया अरे चलता है थोड़ा सा लगा देते हैं। लगा देने से क्या हो गया पाप छोटा सा अनज्ञाकारिता छोटा सा कभी कभी हम छोटा सा अरे कोई बात नहीं कोई नहीं देख रहा है थोड़ा सा दारू पी लेते हैं थोड़ा सा गुटखा खा लेते हैं थोड़ा सा तंबाकू खा लेते थोड़ा सा थोड़ा 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 करके क्या हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। परमेश्वर का बाइबल में लिखा है कि जो चीज परमेश्वर का पसंद नहीं है अनाज्ञाकारिता पाप वो होता है पाप। पाप क्या है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है वो है पाप। चाहे दारू हो चाहे झगड़ा हो चाहे गंदी बात हो चाहे गुटखा हो चाहे तंबाकू हो जो भी हम लोग जो परमेश्वर का पसंदीदा नहीं है उसका नाम है पाप। पाप मतलब मर्डर करने से ही पाप नहीं है प्या को डाकू डालने से ही पाप नहीं है झूठ बोलने भी वो पाप ही है, है? गंदी काम करने से वो पाप ही पाप पाप ही है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। परमेश्वर इसलिए बता रहे हैं कि तू कहां है पहला प्रश्न परमेश्वर ढूंढने के लाते हैं। कभी कभी हम लोग पाप करने के बाद क्या करते हैं छुप जाते हैं। बच्चे लोग जब माँ बाप कुछ मतलब मिठाई डब्बा में कुछ मिठाई रखते हैं या कुछ रखते हैं बच्चे लोग देखते हैं कहां कहां है
लड्डू कहाँ हैं कि क्या कर, सब ऊपर में चढ़ जाएंगे। उसके बाद ड्रम सारे गिर जाते, बच्चे क्या करेंगे बाद में, इसको सब गिर गया तो उसको तो रख नहीं पाएंगे, भग जाएंगे। ऐसा होता है ना, चाहे शक्कर नहीं खाने के बोलते हैं तो शक्कर क्या करते हैं, यहां से यहां पे डालेंगे, यहां पे डालेंगे। जो चीज मां बाप नहीं कहते हैं नहीं करने के लिए, बच्चे क्या करते हैं, वही करते हैं। तो बाद में मां बाप पूछते हैं कि भाई क्या तुम गलत काम किया, किया 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 गलत किया है। कभी कभी तो मानेंगे ना, मैं नहीं क्यों, मुझे क्यों रो रहे हैं बच्चे, गलत किया है। ये गलत किया बल्कि उसको कब कब मालूम हो रहा है, उसका विवेक गवाही दे रहा है, उसका मान मन में जो है, जो खून में है। ये खून कहां से आया, जहां से परमेश्वर ने सृष्टि की वहां से ये पाप का स्वभाव, हमारा मां बाप से ही आया ये मां पाप का स्वभाव, वहां से ही ये सारे स्वभाव हमारा जीवन में है। पाप करने के लिए हम लोग बच्चे लोगों को नहीं बोलते तुम जाके पाप करो, बोलते हैं ये कभी जाके झूठ बोलो, कोई भी माँ बाप कोई भी कभी भी नहीं बोलेगा जाके झूठ बोलो, जाके चोरी करो, जाके किसी का पेंसिल चुराएगा चोरी करके लाओ, कभी बोलते हैं क्या, नोटबुक चोरी करके लाओ। ये कहां से आया है, मनुष्य का खून में है, ये ब्लड में है, हमारा स्वभाव में है। गलत काम करना स्वभाव में है, गलत रीति से देखना स्वभाव में है, गलत विचार करना स्वभाव में। दुनिया में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं कभी गलत सोचा ही नहीं है। कहां से आता है ये सब, हमारा माता पूर्वज से पूर्वज 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 वहां से ये सब हमारा जीवन में आया। इसलिए बाइबल हम लोग पढ़े थे कि हमने पाप करते हैं, पाप का प्रतिफल क्या है, मृत्यु है। हम लोग नौकरी करते हैं, मजदूरी काम करते हैं, मजदूरी का प्रतिफल क्या है, पैसा है। हम लोग मजदूरी करने इतना दूर से आए, क्या हमको मिलेगा, काम कर रहे हैं हम लोग को पैसा मिलेगा, पैसा के द्वारा हम लोग घर का सारे सामान सब कुछ ग्रह गृहस्थी हम लोग खरीदेंगे, सब कुछ चीज खरीदेंगे। इसी रीति से पाप का प्रतिफल व पाप का मजदूरी क्या है, मृत्यु। मृत्यु क्या है, परमेश्वर और मनुष्य का बीच में अलगाव। परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी, ये पापी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है, जा सकता है क्या, वो अति पवित्र महापवित्र महाअगम्य परमेश्वर, सारा जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, राजा दी राजा जिसका स्वर्गदूत उसको आराधना करते हैं, वो अति पवित्र महापवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर को आप और मैं एक लड्डू या फूल देके देंगे, वो स्वीकार करेंगे क्या। हमारा हाथ का लड्डू, अभी मान लो एक बात मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आप अगर एक लड्डू एक कुष्ठ रोगी इतना सुंदर मतलब यहाँ का सबसे टॉप मोस्ट दुकान से एक अच्छा लड्डू खरीदेगा, एक बॉक्स में लाएगा और ला के देगा, भैया एक लड्डू ले लेना, आप लोगे क्या, मनुष्य होकर लेंगे, खाएंगे क्या, आपका हाथ से दे देगा, एक कुष्ठ रोगी नहीं लेंगे। हम सोचते हैं कि कुष्ठ रोगी सबसे बड़ा रोग है, ऐसा सोचते है ना। इसी रीति से परमेश्वर भी अति पवित्र परमेश्वर एक पापी मनुष्य का हाथ से फूल दे दो या फल दे दो या जो भी दे दो, हमारा दिल ही साफ नहीं है, हमारा दिल में पाप है, हम लोग जाकर के फूल फल जो कुछ भी चढ़ाएंगे वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, भेष बदलने क्या हुआ, दिल तो बदलना चाहिए, पहले दिल बदलना है, हमारा विचार बदलना है, हमारा हृदय बदलना है, हमारा मन बदलना है, तब जा करके मन परमेश्वर को हम मन परमेश्वर को देंगे और उसके बाद फल देंगे तो वो फल ग्रहण योग्य होगा, सही है ना। तो पहले जो परमेश्वर और मनुष्य का बीच में जो गैप है, जो अलगावट है, वो क्या है, अलगावट मृत्यु, अलगावट पाप के कारण हम परमेश्वर और मनुष्य का बीच में जो अलगावट है उसको हम परमेश्वर हमसे दूर है, वो नहीं ले सकते हैं। आपका हाथ से और मेरा हाथ से जितना बड़ा सुंदर क्यों ना हो, वो मधुर से मधुर क्यों ना हो, चीज तो अच्छा है लेकिन नहीं ले सकते परमेश्वर, स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हाथ पाप से भरा हुआ हाथ है, हमारा सोच पाप से भरा हुआ सोच है, हमारा दिल पाप से भरा हुआ दिल है। ये दिल को साफ करने के लिए इस जगत में आज से 2000 साल पहले साक्षात जगत का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह आया। मनुष्य को और परमेश्वर को जोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था,
परमेश्वर ने देखा सभी लोगों को भेजा कि मेरे लोग मेरे पास आ जाए, आ जाओ। परमेश्वर कभी भी ये हमको जो सृष्टि, ये सृष्टि का ये जितना देखते हैं सर्वश्रेष्ठ सृष्टि कौन है मालूम? आप और मैं ही। अगर मनुष्य से मनुष्य का अगर एक विचार है ईश्वर को खोजने के लिए, केवल मनुष्य ही खोज कर सकता है। हे ईश्वर बल्कि पुकारने के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, केवल मनुष्य ही हे प्रभु बल्कि पुकार कर सकता। कोई भी इंसान क्यों ना हो, ईश्वर हे प्रभु हे भगवान का नाम से पुकारते हैं। लेकिन सच्चा कौन है? इसलिए परमेश्वर ने लोगों को भेजा, बहुत सारे उसका भविष्यवक्ता को भेजा इस दुनिया में, लोग ने नहीं सुना। इसलिए परमेश्वर ने उसका एकलौता बेटा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में भेजा। देखिए परमेश्वर को ढूंढने के लिए लोग क्या बोल रहे हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार दूसरा अध्याय में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार दूसरा अध्याय एक पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, जरा देखिएगा। मत्ती दूसरा अध्याय दो पद। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? पहले हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर पूछ रहे हैं किसको? आदम को। आदम तुम कहां है? दूसरा प्रश्न नया नियम का पहला प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बुद्धिमान जो ज्ञानी लोग यीशु मसीह को जो तारा देख करके उसको प्रणाम करने के आए हैं, यहूदियों का राजा जो जगत का सृष्टिकर्ता राजा मसीहा जो जन्मा है वो कहां है? किसको पूछ रहा है? हेरोदियस राजा के पास जाकर के, बेतलहम का जो यीशु मसीह पैदा हुए थे उनके पास जाके पूछ रहे हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? और क्योंकि हमने पूर्व से उनका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के आए हैं। कौन है वो राजा? जन्मा है राजा को कौन प्रणाम करते हैं? राजा अधिराजा प्रभुओं का प्रभु जगत का सृष्टिकर्ता पैदा हुआ है। और ज्ञानी लोग महापंडित लोग आकर के बता रहे हैं, पहले शब्द हम लोग बोलते हैं पढ़ते हैं उसको हम दंडवत करने के आए हैं, प्रणाम करने के आए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में राजा प्रभु सृष्टिकर्ता होकर के पैदा हुआ हमारे लिए, आपके लिए, आपको और मुझे परमेश्वर से जोड़ने के लिए वो राजा होकर पैदा हुआ। राजा कहां पे पैदा होना चाहिए था? राजा कहां पे पैदा होते हैं? राजमहल में। राजमहल में पैदा होते हैं ना। एक राजा ऐसा है जगत का सृष्टिकर्ता, जगत का जो सर्वाधिपति परमेश्वर, कहां पे पैदा हुआ? बेतलहम के एक छोटा सा एक गौशाला में वहां पे पैदा हुआ। लोग आकर के पूछ रहे, पंडित लोग आके पूछ रहे, ज्ञानी लोग आके पूछ रहे, वो कहां है? हम मिलना चाहते हैं। प्रिय दोस्तों, क्या आप भी उसको ढूंढ रहे हैं क्या? वो कहां है? प्रभु आपका पास आकर कह रहे हैं, मैं वही हूं, मैं तुम्हारा पास हूं, मैं बहुत दूर नहीं हूं, तुमको मिलने के लिए मैं आया हूं। आज आप सही जगह में आए हैं, जगत का सृष्टिकर्ता इस जगत में आपको और मुझे ढूंढने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं लुका लिखित सुसमाचार में, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और खोए हुओं के लिए मैं जीवन देने के। प्रभु यीशु मसीह खोए हुए, मैं एक दिन आज से 1988 में मैं भी खोया हुआ था। एक दिन किसी ने मैं रास्ता में जा रहा था, बताया कि भैया एक एक सुसमाचार का एक पर्चा ले लेना। मैं बोला क्या होता है सुसमाचार? अरे ले लो, पढ़ के देख लो, अच्छा है। फेंक दिया। बाद में मैंने क्या सोचा कि ये फेंका हुआ चीज क्या है, देख लेते हैं। हमारा वहां पे ऐसा होता है ना, पहले तो गांव में क्या था, पैसे देख रहा है, फेंक दिया, चलो। बाद में सोचा कि क्या है, देख लेते हैं। वो उड़ रहा है, लेकिन वो हवा में उड़ रहा है। मैंने सोचा कि देख लेते हैं क्या, थोड़ा सा फट गया। जाके देखा कि आज आपका मृत्यु होगा, आप कहां जाओगे? पहला प्रश्न है, आज आपका मृत्यु होगा तो आप कहां जाओगे? मुझे बहुत डर लगा, अरे ओके है, क्या हो रहा है? आज आपका मृत्यु होगा, आप कहां जाओगे? परमेश्वर ने इस जगत में जगत का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा।
क्यों भेजा मालूम है? परमेश्वर राजा दी राजा राजमहल में पैदा नहीं हुआ, राजमहल में पैदा होता आप और मैं राजमहल में नहीं जाते। राजा कहाँ पे पैदा हुआ? मसीहा कहाँ पे पैदा हुआ? मसीहा एक गौशाला में पैदा हुआ, आपको और मुझे बचाने के लिए वहाँ पे पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत 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 गरीब परिवार में पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह, हम लोग क्या पढ़ते हैं? आप और मैं पैदा हुआ माँ बाप का और से पैदा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुंवारी गर्भ में एक देह ले करके पैदा हुआ। वो है आपका और आपका जन्म और प्रभु यीशु मसीह का जन्म भिन्न है। पवित्र आत्मा का ओर से प्रभु यीशु मसीह आए, वो देह ले करके आए, वो स्वयं वो साक्षात परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में जिया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया, बहुत बड़े बड़े काम किया, बहुत लोगों को मृत्यु में से जिलाया, मृत्यु से जिलाया लोगों को, हाँ, अंधे के आंखें दी, लंगड़ा को पैर दिया, हाँ, और गूंगे को बोलने के लिए मुंह दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर मृत्यु और इतना से ही सीमित कर देता तो आपका और मेरा उद्धार नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह क्या किया? आपका और मेरे बीच में जो और आपका और मेरे परमेश्वर के बीच में जो गैप है, अलगावर था, उसको ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था। मृत्यु लोगों को, बहुत सारे मृत्यु को जिलाया, ठीक है, बहुत सारे अंधे को आंखें दी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे भूखों को खाना दिया, बहुत अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य ये नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य ये था, प्रियो, आप और मैं जैसा खोए हुए लोगों को, भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए आया। आप और मेरे जैसा बुद्धिहीन लोगों को प्रभु बुद्धि देने के लिए आया, आप और मेरे जैसा पापियों को प्रभु यीशु मसीह मोक्ष देने के लिए आया। मोक्ष कैसा हम लोग पा सकते हैं? मोक्ष हमारा क्रिया कर्म के द्वारा नहीं पा सकते हैं, केवल विश्वास से ही एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। हम लोग प्रेरितों के काम उसका 16:30-31 में ऐसा पढ़ा, हे साहेबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हे साहेबो, मैं मोक्ष पाने के लिए क्या कर सकता हूं? भैया आपका पास पैसा है, 4 धाम में जाकर का मोक्ष पा सकते हैं। भैया आपका पास बुद्धि है, ज्ञान है, कुछ कर सकते हैं। मेरा जैसा पापी, मेरा जैसा जो पखंडी, जो बुद्धिहीन, मैं कैसे पा सकता हूं मोक्ष? ये साहेबों को पास आके पूछ रहा है, एक बुद्धिमान आदमी पूछ रहा है, मैं कैसा मोक्ष पा सकता हूं? उन्होंने बताया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, एक छोटा सा काम है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना मोक्ष पाओगे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे और स्वर्ग का परमेश्वर का मिल सकते हैं और परमेश्वर को आप आराधना कर सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे महान पंडित लोग आए, ज्ञानी लोग आए, ऋषि मुनि आए, बहुत सारे नामधारी जो भगवान लोग आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसा किसी ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। स्वर्ग में जाने की एक एक मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग और पृथ्वी का सारे लोगों को जीवन देने के लिए एक एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं। दुनिया में कोई किसी ने ये शब्द नहीं कहा, मैं ही वो मार्ग हूं, स्वर्ग का लेके जाने वाला मार्ग मैं ही हूं, आइए मेरे पास, मैं तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा। विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। प्रियो, हम लोग आप पहले हम लोग पढ़े थे कि पहले हम लोग ये पढ़ा कि मनुष्य मरने के बाद क्या होगा? न्याय होगा। मैंने कहा किस प्रकार से इस जगत में मृत्यु आई, मृत्यु का प्रतिफल क्या है, मृत्यु का प्रतिफल क्या है, हम जो पाप का प्रतिफल क्या है, मृत्यु, मृत्यु का प्रतिफल क्या है, अनंतकालीन नरक, परमेश्वर से अलगावट। आपको और मुझे परमेश्वर से ये मृत्यु अलग कर देगी। इसलिए साक्षात इस जगत में प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह आपको ये नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर से दूर चले जाए, नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको जो आत्मा परमात्मा जो परमेश्वर ने आपको जो दिया, वो जीवन दिया है, वो जीवन किसका है मालूम है? ये जीवन परमेश्वर का है। ये जीवन किसका है? हमको जो जीवन सांस ले रहे हो किसका है? ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। एक दिन एक सिकंदर, आप सभी लोग जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर
एक दिन इस प्रकार से कहा, दुनिया का सब कुछ विजय करने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया को मैं जीत लिया। तो भारत में भी आया था, आप लोगों को मालूम है, पंजाब से होकर वो वापस वो मकदुनिया का जा रहा था, रास्ता में उनको एक छोटा सा बुखार हो गया। बुखार मतलब कौन सा है मालूम? मलेरिया हो गया, छोटा सा, एक क्या बोलते, एक मच्छर काट दिया उसको। उसको मालूम हो गया कि मैं मरने जा रहा हूं, क्योंकि इतना सारे दिग्विजय, अलेक्जेंडर कहा जाता है, सब कुछ विजय करने के बाद वापस जा रहा है, ताकत शक्ति बुद्धि ज्ञान, इतना निपुण व्यक्ति, सब कुछ जीत लिया, जा रहा है अपना देश। उन्होंने कहा देखो मैं और जी नहीं पाऊंगा, मैं मरने वाला हूं। जब मैं मर जाऊंगा, मेरा कफन में जब ये मेरा शरीर को उसको ये करने के लेके जाएंगे, तो मेरा हाथ को बाहर जरूर रख लेना। तो उन्होंने, लोगों ने पूछा कि प्रभु आप ये शब्द क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा हाथ को बाहर रख करके मेरा देश में लेके जाना। उन्होंने बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल करेंगे साहब। तो उन्होंने पूछा कि क्यों आप ये बात बोल रहे हैं? उन्होंने एक बात बताया, दुनिया का सब कुछ मैं विजय पाया, सब कुछ मैं पा लिया, सब कुछ मेरा हाथ में था, लेकिन मैं आया जैसा नंगा, हाथ में कुछ नहीं था, मैं जा भी रहा हूं कुछ भी नहीं। इसीलिए लोगों को यह संदेश होना चाहिए, मेरा हाथ में कुछ भी नहीं है। दिग्विजय अलेक्जेंडर का हाथ में जो तलवार था, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर तलवार था, इतना बुद्धिमान आदमी था, लेकिन एक छोटा सा मच्छर उसको काट दिया, मर गया। हाथ, लोगों ने यही पूछा, यही हाथ था उसका, यही ज्ञान था, यही हाथ से उन्होंने लोगों को मार के जगत को जीता, लेकिन मर गया एक छोटा सा मच्छर में, चला गया। दोस्तों आप सोच लीजिए, आज का शाम में हम लोग यहां से जब जाने से पहले, आप हो सकता है बहुत कुछ पा लिया होगा, जीवन में बहुत का सारे संकट से आप जूझ रहे होंगे, और ना जीवन में आप बहुत कुछ संघर्ष से जा रहे होंगे। क्या आप अलेक्जेंडर जैसा आप ये बोल सकते हैं कि मैंने सब कुछ तो पा लिया, जीवन में जो पाना चाहिए था क्या वे माया में पाया क्या? बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति सारा जगत को प्राप्त करे, उसका आत्मा को अगर नष्ट करे क्या लाभ है? दुनिया का सब कुछ पा करके, धन दौलत सारे इज्जत मान सम्मान पा करके अगर हमारा जीवन को हम नष्ट कर दिया तो दोस्तों क्या लाभ है? इतना दूर से आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये सुंदर वाणी आपने सुना, प्रभु आपका दिल में यही बात बता रहे हैं, दुनिया को आपने पा के, आपका आत्मा, आपका बीच, आपका जो आत्मा परमात्मा परमेश्वर ने जो आत्मा आपको दिया है वो अगर नष्ट हो जाएगा क्या लाभ है? प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मुझ पर तुम विश्वास करो तुम उद्धार पाओगे। उद्धार क्या है मैं आपको बताया, मोक्ष पाओगे, परमेश्वर के साथ मिलोगे, जो अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर के साथ आप मिलोगे। जैसा मैं गीत गा रहा हूं आप भी गीत गाओगे, जैसा मैं परमेश्वर का साथ स्तुति करता हूं आप भी स्तुति करोगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जाति प्रथा नहीं है, कोई अलगावट नहीं है, एक एक चीज है विश्वास करना। मैं कैसा विश्वास करूंगा आप बोलोगे, मैं कैसा विश्वास करूं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। एक एक विश्वास है, सरल है, बहुत सरल है। हे प्रभु यीशु मसीह मैं एक पापी हूं, प्रभु यीशु मसीह किस दुनिया में आया था? पापियों को ढूंढने के लिए। प्रभु वो प्रभु मैं एक पापी हूं, आप मुझे ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरा पाप तो क्षमा कर, मुझे अपना ले प्रभु, आपका बच्चा बेटा मुझे बना ले। ये बहुत सरल और सिंपल है, इतना बोलोगे आप पाप से छुटकारा पा करके परमेश्वर का बेटा इसी वक्त बन सकते हैं। आपका नाम परमेश्वर स्वयं उसका जीवन का पुस्तक में वो स्वयं नाम लिख देंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति साक्षात वो महान रथी अपना उनका नाम वो नहीं लिखते, केवल परमेश्वर बता रहे हैं मैं तुम्हारा नाम कहां पे लिखूंगा? जीवन का पुस्तक में लिखूंगा। आपका नाम क्या जीवन का पुस्तक में लिख दिया गया? मेरा नाम आज से करीब 28 साल पहले मेरा नाम जीवन का पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह लिख दिया। अगर आज मैं मर जाऊंगा मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, आप मर जाओगे कहाँ जाओगे? यही सवाल आज से 28 साल पहले मुझे पूछा गया था, मेरा पास आज जवाब है।
मैं अगर मर जाऊंगा मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं प्रभु से मिलूंगा और मैं मेरा जो आत्मा नित्य परमेश्वर के साथ उपासना करेगा, मैं प्रभु को मिलके मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आप अगर मर जाओगे दोस्तों, आप कहां जाओगे? आपका परिवार कहां जाएंगे? दोस्तों एक समय है, ए शाम ए प्रभु का नाम। एक महान व्यक्ति प्रचार कर रहा था और एक एक्टर, सिनेमा एक्टर आकर के सुना क्या है यह सुसमाचार। सुनने के बाद बोला कि साहब आपका संदेश तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हम अभी शूटिंग करने के जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सिनेमा शूटिंग करने के जा रहे हैं। शूटिंग करके आप वापस आएंगे, आ करके हम यीशु मसीह को जरूर विश्वास करेंगे। साहब आप बहुत अच्छा संदेश दिया। बोला कि रास्ता में जा रहे हो, आपका समय नहीं है, ये समय आज आपका, ये समय आपका ही है, बाहर निकल गया, ये आपका समय नहीं है। बोला कि साहब देखिए मुझे छोटा मोटा काम करना है, यूं गया यूं आया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, स्वर्ग में मेरा नाम लिख देंगे प्रभु। बोला देख लो समय आपका हाथ में है। उन्होंने चला गया शूटिंग करने के लिए, फिल्म शूटिंग करने के लिए। रास्ता में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी में जितना सारे VIPs थे सब लोग मर गया। प्रभु को ग्रहण नहीं किया। कहां गए होंगे वो लोग? कहां गए होंगे वो लोग? नरक में गए। इसलिए दोस्तों ये आज ही एक समय है, यही एक समय है, प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए उपकार किया है, जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मर गया, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जो जीवन दिया है, वो आपको बुला रहे हैं, मेरा बेटा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए जीवन दिया हूँ, वो जीवन मुझे तुम दे दो। और एक बात बोल के मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। एक महान ज्ञानी सोक्रेटिस, हमारा जॉनसन साहब जैसा एक सोक्रेटिस जैसा महान ज्ञानी हुआ करते थे, तो उन्होंने सभी बच्चे बड़े बेटे सभी लोग को बुलाते थे और बोलते थे कि देखो ज्ञान का बात बताते थे। महाज्ञानी के पास कौन जाते मालूम है? ज्ञानीवान ही जाके सुनते हैं। तो एक छोटा सा लड़का गया, ये ज्ञान का, ये ज्ञानी कितना महाज्ञानी है, मैं भी परीक्षा करके देखना चाहता हूँ। एक छोटा सा चिड़िया, हमारा वहाँ पे एक लीटी चिड़िया बोलते, छोटा सा चिड़िया लेके गया, छोटा सा चिड़िया लेके जाके महाज्ञानी सोक्रेटिस को पूछा, साहब एक बात हम पूछना चाहते हैं, आपका महाज्ञान का परीक्षा है। उन्होंने बोला बोलिए क्या बात है? एक चिड़िया मेरा हाथ में है साहब। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, आप ये बात बताइए कि आप तो ज्ञानी बोलकर सारा दुनिया मानती है, ये चिड़िया जिंदा है या मुर्दा है, आप बताइए जरा सा। वो बोले कि बेटा बाद में हमको बताऊंगा। अरे साहब आपका तो ज्ञानी है तो एक शब्द में बोलना चाहिए था, ये चिड़िया जिंदा है या मुर्दा है। तो सोक्रेटिस ने बताया, बेटा चिड़िया का जीवन तुम्हारा हाथ में है, चिड़िया का जीवन तुम्हारा हाथ में है, अगर तुम छोड़ दोगे उड़ जाएगा, मोड़ दोगे तो क्या करेंगे? मर जाएगा। जीवन आपका हाथ में है, विश्वास करोगे स्वर्ग का जीवन मिलेगा, नहीं विश्वास करोगे नरक का जीवन मिलेगा। जीवन आपके हाथ में, निर्णय आपका हाथ में है। यहां से जाने से पहले ये सोक्रेटिस जैसा एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर ही है कि आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, ये कोई तत्व नहीं है, कोई तर्क नहीं है, एक छोटा सा बात है, एक छोटा सी बात है, विश्वास करना मोक्ष पाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास नहीं करेंगे आपका जीवन नरक में चले जाएगा। आप निर्णय कीजिए। प्रभु आपको सभी को आशीष। ये प्रभु की बड़ी दया है कि आज इस तरह से प्रभु के वचन से संदेश सुनाने के लिए प्रभु ने भाई रंजीत कुमार बाग को 2,500 किलोमीटर दूर से हमारे बीच भेजा। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात समझाई कि प्रभु यीशु के द्वारा जो नया जीवन है वो उन्होंने पाया है और हम सब के लिए ज़रूरी है। मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से बहुत साल पहले मैंने भी प्रभु के द्वारा ये नया जीवन पाया था और इस नए जीवन की खुशी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ही मैं हर हफ्ते यहाँ आता हूँ और मेरे ये सारे भाई और बहन लोग हर हफ्ते यहाँ आते हैं। और इस कारण मेरा अनुरोध है कि आज इस सभा में यदि ऐसा कोई भी भाई
या ऐसी कोई बहन है जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है या जिसने उस नए जीवन का अनुभव नहीं किया है, तो इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले हम में से किसी से बात करके ही जाएं। भाई रंजीत हिंदी में और उड़िया भाषा में बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं, भाई सामने जो बैठे हैं क्रिस्टी, इसके अलावा पीछे कई भाई लोग बैठे हैं, वे लोग भी आपके साथ ये संदेश शेयर करने के लिए, ये चीज़ें अच्छी तरह से समझाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन में कहाँ आप जाएंगे, आप नए जीवन आपने पाया है या नहीं, इस बात का निश्चय करने के बाद ही इस हॉल से आज जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपकी करुणा और कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। कई बार लोग आपको एक बहुत ही क्रूर और कठिन पिता समझते हैं या ईश्वर समझते हैं, लेकिन आपका वचन यह साफ साफ बताता है कि ईश्वर ने संसार से प्रेम किया। आपके वचन से इन बातों को समझने के लिए आपने हमारी मदद की। आप अपने दास को 2500 किलोमीटर दूर से हमारे बीच आज लाए, जिससे कि हम उनके द्वारा प्रभु का वचन और प्रभु की वाणी सुन सकें। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। हमारे भाइयों और बहनों में से यदि आज ऐसा कोई है जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं ग्रहण किया है या नहीं पाया है, या जिनके मन में इस नई जीवन की खुशी नहीं है, तो वो खुशी प्राप्त करके ही इस हॉल से वे जाएं। उसके लिए उनकी मदद कीजिए। इस सभा को, इसके सारे सदस्यों को और इसके सारे कार्यकर्ताओं को आपके हाथ में देते हैं। हर व्यक्ति को अपना अनुग्रह दीजिए, क्योंकि हम ये याचना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। जय मसीह की।